कुमार दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट। ना हस्तिनापुर पर आपका कोई अधिकार है, ना ही अंग प्रदेश पर। वस्तुतः सुई की नोक पर रख सके इतनी भूमि भी दान करने का अधिकार आपको नहीं है। यथार्थ कह रहे हैं आप, किंतु महाराज को तो वो अधिकार है। अपने पुत्र की मंशा शायद महाराज पूरी करें। इसमें कुरुवंश के मान अपमान का प्रश्न जो खड़ा हो गया है महाराज। महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा महाराज। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे दत्ताश्री से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है, परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। मैं गुरु सम्राट धृतराष्ट्र इसी क्षण से इस युवान को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता।